हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, एक बैड न्यूज़ जो यूट्यूब की तरफ से कुछ दिन पहले आई थी, एडसेंस की तरफ से एक मेल आया था और उसमें ये था कि अब आपकी यूट्यूब की अर्निंग पर आपको टैक्स पे करना रहेगा, ठीक है। और उन्होंने ये मेंशन किया था कि कुछ दिन के अंदर ही हम वो आपको एक आपको लिंक दे देंगे एडसेंस के अंदर, और वहां पर जाके आपको सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहेगी, ठीक है। और वहां उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि आप जो भी टैक्स से रिलेटेड फॉर्म होगा उसको आप 31 मई से पहले अगर आप फिल कर देते हैं तो आपकी अर्निंग पर ओनली 50% डिडक्शन होगी, और उसी व्यूज पर डिडक्शन होगी जो आपका यूएस से व्यूज आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप फॉर्म को फिल कर दोगे, फिल करने के बाद जो व्यू आपके यूएस से आएगा उसी पर आपका टैक्स कटेगा। और अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया तो आपकी टोटल जो भी अर्निंग होगी उस अर्निंग का यूट्यूब 25% काट लेगा, 24-25% जो भी है वो कट कर लेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप 31 मई से पहले वो जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं टैक्स रिलेटेड, आप प्लीज उसको फिल कर दीजिए। उसमें ये भी मेंशन है, जो यूएस का पर्सन होगा तो यूएस के पर्सन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यूएस से बाहर जो भी रहता है उसी पर्सन पे वो टैक्स उसको पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया से हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया से हैं तो आपके मोस्टली व्यूज इंडिया से ही आएंगे, यूएसए से तो आपके व्यूज काफी कम आएंगे। तो यूएसए से आपके जो भी व्यूज आते हैं उसका ऑलमोस्ट 15% ही डिडक्ट होगा। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो टोटल अर्निंग का 24% डिडक्ट होगा, जो कि काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको टैक्स किस तरह से फिल करना है उसकी कुछ स्टेप्स है, मैं आपको सिंपली वे में वो स्टेप्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप गूगल एडसेंस को ओपन करोगे तो आपके यहाँ पर एक टैक्स से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप मैनेज टैक्स इन्फो पे सिंपली क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पर सिंपली आएगा एड टैक्स इन्फो। आपको सिंपली एड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप एड टैक्स इन्फो पे क्लिक करोगे तो वो आपसे आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसको वो लॉगिन करवाएगा। तो आप सिंपली इसको एक बार लॉगिन कर देना। जैसे ही आप सिंपली इसको लॉगिन कर दोगे फिर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आएगी, What type of account is जावेदुल इस्लाम। आपका जो आपका अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या कोई बिजनेस अकाउंट है। तो मेरा यहाँ पर अकाउंट इंडिविजुअल है तो सिंपली मैं यहाँ पर इंडिविजुअल पे क्लिक कर दूंगा, देन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा आर यू ए सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कि आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन हो। तो हम सिंपली नो क्लिक करेंगे और यस हम कर देंगे, ठीक है। फिर यहां पर आएगा सेलेक्ट डब्ल्यू एट टैक्स फॉर्म टाइप, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो तरह के टैक्स फॉर्म है, एक है आपका डब्ल्यू एट बी एन और एक है डब्ल्यू एट ई सी आई, ठीक है। तो जो इंडियन यूजर हैं या फिर जो यूएस से बाहर वाले यूजर्स हैं उनके लिए जो टैक्स का टाइप होता है हमारा वो ये होता है डब्ल्यू एट बी एन। तो सिंपली हम यहाँ पर डब्ल्यू एट बी एन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट हम इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपका जो भी अकाउंट का नेम है वो यहाँ पर नेम आ जाएगा, फिर डीबीए में आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई आपका बिजनेस अगर अकाउंट है तो वहां फिल कर सकते हैं, मेरा ये इंडिविजुअल था तो इसको मैं यहाँ ब्लैंक कर देता हूँ। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ मैं सिंपली इंडिया को सेलेक्ट कर देता हूँ बिकॉज मेरी जो कंट्री है वो इंडिया है। आपकी जो भी कंट्री होगी आप वो वहां पर फिल कर देना, ठीक है। फिर आ रहा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपके यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक फॉरेन टिन है एक यूएस टिन है, ठीक है। इंडिया में जनरली टैक्स के लिए फॉरेन टिन ही यूज होता है, मतलब इंडिया से अगर आप फॉरेन पे कोई टैक्स कर रहे हो तो जनरली हम फॉरेन टिन का ही यूज करते हैं, और फॉरेन टिन में इंडिया वालों को जनरली पैन कार्ड नंबर देने होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपने पैन कार्ड नंबर डाल दूंगा। तो केयरफुली आप यहाँ पर फॉरेन टिन के अंदर आपके जो भी पैन कार्ड नंबर है वो फिल कर दीजिए, ठीक है। उससे उनके पास वो इंफॉर्मेशन
आपकी प्रोवाइड हो जाएगी। और सिंपली आप यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन इसके बाद आपके पास यहां पर एड्रेस का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली यहां पर आप एड्रेस पे आपका जो भी एड्रेस है आप वही फिल करना जो आपने गूगल एडसेंस जब आपने वेरीफाई किया था उस टाइम जो एड्रेस किया था सेम एज इट इज वही एड्रेस आप यहां पर फिल करना। तो मैंने ये अपना एड्रेस फिल कर दिया है और मैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना स्टेट को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सिंपली उन्होंने अपना एड्रेस पूछा था तो मैंने वही एड्रेस डाला जो गूगल एडसेंस हमने जब क्रिएट किया था उस टाइम जो एड्रेस डाला था सेम एज इट इज वही एड्रेस हमने यहाँ पर फिल किया है और मेलिंग एड्रेस भी हमारा सेम है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट सिटी वाले ऑप्शन के अंदर आपको सिंपली यस पे क्लिक करना रहेगा और रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रिटी विथ यूएस इस पे भी आपको सिंपली यस पे क्लिक करना रहेगा। देन आपको सिंपली कंट्री अगेन इंडिया को फिल, जो भी आपकी कंट्री है इंडिया है तो इंडिया, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आपको सिंपली यहाँ पर फिल करना रहेगा। स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस में हम सबसे पहले आते हैं सर्विस एडसेंस के ऊपर। सर्विस एडसेंस पे हमने सिंपल क्लिक किया, आपको यहाँ पर आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 पे क्लिक करना है एंड विद होल्डिंग रेट्स आपको 0 पे क्लिक करना रहेगा और इस पे भी आपको सिंपली टिक करना रहेगा। सेकंड है आपका मंथली मोशन पिक्चर एंड टीवी, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना रहेगा एंड आर्टिकल 12 पे आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा एंड विथ होल्डिंग रेट्स यहाँ पर 15% क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर भी आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अदर कॉपीराइट पे भी सिंपली टिक कर देना है और यहाँ पर भी आपको 12A और विथ होल्डिंग रेट 15% पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ टिक करना रहेगा एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे भी आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट के ओपन पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर जो भी फॉर्म फिल किया है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और सिंपलीफाई आप यहाँ कर देना, आई कंफर्म्ड आई हैव व्यूड जनरेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव दे आर ट्रू करेक्ट एंड कंप्लीट और सिंपली लास्टली आपको कंप्लीट पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे सिंपल योर सिग्नेचर पूछेगा, यहाँ आपको सिंपली आपका लीगल नेम जो भी आपका है वो यहाँ पर टाइप कर देना है एंड आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, सिंपली आपको यहाँ पर भी यस कर देना है और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज ओपन होगा, उसमें वो पूछेगा एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म इन यूएस, सिंपली इसमें आपको नो पे क्लिक करना है और आई सर्टिफाई पे यस करना है और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आर यू प्रोवाइडिंग द टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल डेट हैज हंट रिसीव पेमेंट और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल डेट हैज प्रीवियसली रिसीव पेमेंट। अगर आपने पहले कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया तो सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा और अगर आप ऑलरेडी कोई पेमेंट रिसीव कर चुके हो तो आपको सिंपली यहां क्लिक करना होगा आई एम प्रोवाइडिंग ए टैक्स इन्फो एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट अंडर पेनल्टीज और इस पे भी आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और लास्टली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका टैक्स इन्फो कंप्लीटली फिल हो जाएगी। तो लास्टली आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने मैनेज टैक्स इन्फो जो है कम्प्लीटली फिल कर दी है। ठीक है, और ये इस तरह से कुछ आपका आ जाएगा। तो होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, एक्चुअल में सब यूट्यूबर्स यही बोल रहे हैं कि ये बैड न्यूज है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर इस टैक्स फॉर्म को फिल कर देते हो तो ये इतना भी बुरा नहीं है बिकॉज
क्योंकि टैक्स जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ यूएस से जो व्यूज आएंगे उन्हीं पे देना होगा। सिंपली अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो आपका मोस्टली लोकल ही आपको व्यू करेंगे, तो होप सो कि इतना आपका वहाँ यूएस से आपके पास व्यू नहीं आएगा, तो बहुत ही एक लिटिल अमाउंट में आपका 15% डिडक्ट होगा। बट अगर आप उस फॉर्म को फिल नहीं करते तो आपकी टोटल अर्निंग का 24% कट जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप 31 मई से पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।